आज हमारे पास इतना बारूद है कि हम गंगा और जमुना दोनों को पाट दें। आजादी पाने की लड़ाई शायद आसान थी, वो हमारी लड़ाई थी। वो लड़ाई तुम लोगों को लड़नी है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान दबंग खान सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। सलमान खान आखिरी बार दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे और लोगों का खूब मनोरंजन किया था। अब फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता सलमान खान की अगली आने वाली फिल्मों को लेकर उत्साहित है। अब सलमान खान की फिल्म दबुल को लेकर एक अपडेट सामने आया है। विष्णुवर्धन के डायरेक्शन में बनने वाली सलमान खान की फिल्म दबुल, इसकी अनाउंसमेंट होने की खबरें हैं। आइए जानते हैं फिल्म दबुल की अनाउंसमेंट कैसी और कब होगी। तो दोस्तों, जब से सलमान खान की फिल्म दबुल की घोषणा हुई है, तब से यह फिल्म चर्चा में है और आए दिन इसे लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है। सलमान खान की इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी विष्णुवर्धन के पास है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस समांथा और उत्प्रभु नजर आएगी। वही पहले खबरें आई थी कि त्रिशा कृष्णन इस फिल्म का हिस्सा है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर मेकर्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि जल्दी इस बारे में घोषणा की जाएगी और फिल्म का एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। अगर सलमान खान और समांथा या फिर त्रिशा कृष्णन दबुल में नजर आएंगे तो यह पहला मौका होगा जब दोनों सितारे किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म दबुल के अलावा दबंग 4, प्रेम की शादी किक 2 और टाइगर वर्सेस पठान जैसी फिल्मों में काम करते नजर आएंगे। सलमान खान आखिरी बार फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे। फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। खैर दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है सलमान खान की दबुल का टीजर देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो इसी सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।